फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आया हूँ फिनस्प्लैश एक्वेरियम्स में, जो औंध रोड पे है, खड़की स्टेशन के पास में। तो यहाँ पे अभी बहुत सा भी फिश स्टॉक्स है, प्लांट्स है और ड्रिफ्टवुड्स है, रॉक्स है। तो मैं वो सब दिखाऊंगा आपको आज। तो वीडियो के एंड तक आप बने रहिए एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो फ्रेंड्स, यहाँ के ओनर से हम पहले बात करते हैं। Hi Aaron sir. Hello. Hi, good afternoon Guru. Thank you for coming and also thank you to all the viewers who are watching this. तो सर, मुझे आपको पूछना था कि आप इस हॉबी में कितने साल से? इस हॉबी में मुझे लगभग एक 15-16 साल हो चुके हैं। ओके, और फिर ये स्टोर आपने कितना टाइम हो गया अभी ओपन करके? स्टोर फिजिकल स्टोर ऑपरेशनल है पिछले 6 साल से। 6 साल से जी। okay. तो अभी लाइव फिश स्टॉक्स है और क्या क्या रखते हो स्टोर में आप? लाइव फिश स्टॉक के अलावा प्लांटेड टैंक रिलेटेड जो एक्वास्केपिंग के लिए मटेरियल्स यूज होता है, जैसे काफी सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स, वुड्स और भी बहुत सारे एक्सेसरीज CO2 रिलेटेड, जैसे सिलेंडर, CO2 सिलेंडर्स, CO2 डिफ्यूजर्स। हाँ, और भी काफी सारे जो टूल्स आते हैं उसके, ट्वीजर्स या फिर सीजर्स आता है, सैंड फ्लैटनर्स आता है, ये सारे चीजें स्टॉक में होते हैं। ओके ओके, और ये स्टोर का आपका टाइमिंग क्या है? स्टोर टाइमिंग्स है 12 PM to 9 PM, 12 बजे से 9 बजे तक। मंडेज क्लोज, रेस्ट ऑफ द वीक वी आर ओपन। ओके, अगर इनकेस कोई पूना से ही कोई ऑर्डर कर रहा है ड्राइव सेक्शन जो भी है या फिश फूड, तो ऑर्डर करके भी मिलेगा? विद इन पुणे हम लोग लाइव फिश और ड्राई सेक्शन में से जो भी चाहिए, फूड, फिल्टर, प्लांट्स, ये ऑल ओवर पुणे डिलीवर हो जाता है उसी दिन बाय वीफास्ट और बाय डंजो। आउट ऑफ पुणे हम लोग सिर्फ ड्राई स्टॉक बेचते हैं या प्लांट्स बेचते हैं, लाइव फिश अभी फिलहाल नहीं बेच रहे हैं। तो एरन सर, मुझे एक पूछना था कि बहुत से हॉबीज मुझे बोलते हैं और मैसेज में भी कहा कि आपके यहाँ पे फिशेस बहुत हेल्दी रहते हैं, स्टॉक अच्छा रहता है हेल्दी, तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहोगे? तो यहाँ पर हमारा फिश सेलिंग का बहुत एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी है कि सिर्फ हेल्दी फिश जो डिजीज फ्री है वही सेलिंग के लिए जाता है। अगर मेरी नज़रों में कोई यहाँ पे फिश ठीक है नहीं या बीमार है, कोई सिम्टम्स है उसको, प्रॉब्लम लग रहा है, तो वो फिश 100% आगे नहीं जाता है। बट ऑफकोर्स एक आध बार शायद मेरे से भी भूल हो सकती है, ह्यूमन एरर, बट अदरवाइज जब भी जो भी नया स्टॉक आता है वो अच्छे से क्वारंटीन होता है, सेटल होने के बाद ही आगे हम स्टॉक बेचते हैं। जी, तो चलिए फिर आज फिश स्टॉक देखते हैं क्या है और प्लांट्स क्या आपके पास आए हुए वो कवर करते हैं। श्योर, जो स्टॉक अभी अवेलेबल है फिलहाल वो हम आज देख लेते हैं, कवर कर लेते हैं। काफी स्टॉक आप आने के थोड़ा सा पहले ही सोल्ड आउट हो चुका है, बट जो भी है वो हम जरूर कवर करेंगे। ओके, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, ये रेड आई रेड कैप एंजल्स है, ये अराउंड 3 इंचेस के ये टैंक है, विच इज अराउंड 3.5 फीट हाइट बोल सकते हैं, 3.5 फीट बाय 2.5 फीट रहेगा हाइट में। फ्रेंड्स, इसमें फायर रेड ईल है इस टैंक में, जो अभी फिलहाल ड्रिफ्टवुड के पीछे है। और एक ये कौन सा फिश है? ये है अफ्रीकन रो फिश भी इसको कहा जाता है या रीड फिश। ओके, और इसका भी साइज कितना तक जाता है? ये लगभग 1.5 फीट के आसपास चला जाता है। ओके, 1.5 फीट तक जाएगा। ओके, और एंजल्स भी जो है ये अराउंड 3 इंचेस के है। और नीचे एक टैंक है, वो मैं आपको दिखाऊंगा बाहर से, एक अंदर साइड से आपको ये व्यू दिखाता हूँ। तो ये सिकलेट्स के लिए, टंगानिकन सिकलेट्स के टैंक सेटअप है ये पूरा। तो ये भी टैंक कुछ 3.5 फीट का है। तो फ्रेंड्स, ये फ्रंट साइड है ये टैंक का, तो इसमें ट्रॉफियस है ये देखिए, और ब्रिचार्डी है और लेलुपी है। तो फ्रेंड्स, ये पूरा इनका टैंक सेटअप है, उसमें से मैं कुछ आपको टैंक्स दिखाता हूँ। तो प्राइजेस भी सबके ऐसे लगाए हुए हैं ऊपर,
आप देख सकते हो, तो सबके फिक्स प्राइजेस है, हर एक टैंक्स पर लगे हुए हैं। तो इस टैंक में अभी डिस्कस है जो अराउंड 3 to 4 inches के बीच में है, और कुछ प्लांट्स भी है इसमें, और स्नेल्स है, बोट नेराइट स्नेल्स बोल सकते हो, और रैबिट स्नेल्स है, और एसेसिन स्नेल्स भी है इसमें। तो ये प्लांट्स कौन से इस टैंक में? ये वाला जो है ये है बॉलबाइटस मिनी, ये इसको बॉलबाइटस डिफॉर्मिस भी कहा जाता है। उसके पीछे है अनुबियस कॉफी फोलिया है वो, उसके ही साइड में है अनुबियस ब्रॉड लीफ जो पीछे की तरफ है, सामने डिस्कस है। हियर अगेन दिस इज अनुबियस कॉफी फोलिया। ओके, तो बेसिकली प्लांट्स में अच्छा खासा स्टॉक है। तो इस टैंक में गोल्डन एंजल्स है और जेट ब्लैक एंजल्स है, और अल्बाइनो रेड कैप एंजल्स भी है यहाँ पे। तो ये अराउंड सब 2 to 3 inches के बीच में है, और इसमें भी बहुत सा स्टॉक है प्लांट्स का। तो फ्रेंड्स, इस टैंक में कार्डिनल टेट्रास है और बहुत से प्लांट्स है, तो लोटेक प्लांट्स का अच्छा खासा स्टॉक मिल जाएगा आपको यहाँ पे। और ये एक टैंक है जिसमें रैम्स है, और बाकी कौन से फिशेस है इसमें? हॉकी स्टिक टेट्रा है, पेंगुइन टेट्रा भी बोलते हैं, या इसमें पांडा गारा भी है जो कहीं पत्थरों पे आपको दिखेगा छुपा हुआ। हाँ, ये है पांडा गारा यहाँ पे देखिए। हाँ, ये जो पत्थर पर है, और पीछे जो है वो इलेक्ट्रिक ब्लू बलून रेमेरेजी है, या और वो जो पॉट्स में है वो गुस्से फ्लांगर है। ओके, और यहाँ पर ये अनुबियस नाना है। हाँ, फ्रेशन हेल्दी स्टॉक ऑफ अनुबियस नाना, या और काफी अच्छा स्टॉक है, और इसमें कुछ क्रेबेंसिस भी है, राइट? हाँ, इसमें क्रेबेंसिस भी है। तो ये क्रेबेंसिस भी अराउंड 2 inches के है, 1.5 to 2 inches के बीच में। और ये कौन से प्लांट है यहाँ पे? ये अनुबियस बार्टेरी है। बार्टेरी, अच्छा, अनुबियस बार्टेरी। तो ये सब लो लाइट प्लांट है, ज्यादा लाइट नहीं लगता, राइट? हाँ, ये मॉडरेट लाइट लो लाइट में भी आराम से आ जाते हैं। ओके, काफी हार्डी प्लांट्स है ये। और इस टैंक में रमिनोस टेट्रा है, रमिनोस टेट्रा, और अनुबियस नाना गोल्ड है। हाँ, अनुबियस नाना गोल्ड है इसमें। तो पॉट वाइज आपको मिल जाएंगे प्लांट्स मोस्टली सब। इसमें है नियॉन टेट्रास और हार्ली क्विन रास्बोरा। ओके, ये देखिए हार्ली क्विन, मैक्सिकन ड्वार्फ क्रेफिश है यहाँ पे, ये देखिए, और बाकी वो पॉट के साइड में, और हार्ली क्विन है, राइट? इसमें ये वाला एसपी रास्बोरा है। अच्छा, एसपी रास्बोरा, और दूसरे कौन से है? वो एंडलर्स, एंडलर्स का। अच्छा, उसमें रेड एंडलर्स है, ब्लू एंडलर है। हाँ, टाइगर येलो एंडलर्स है, टक्सीडो एंडलर्स है, असॉर्टेड एंडलर्स है उसमें। या इस टैंक में है चॉकलेट ग्रामी, क्लाउन लोच, या अल्बाइनो पैराडाइज है ये। हाँ, पैराडाइज ग्रामी, और ये सब जो है प्लांट्स, ये अनुबियस बार्टेरी है वापस। या और ये देखिए चॉकलेट ग्रामी। हाँ, ये देखिए क्लाउन लोच है। तो फिलहाल अभी इसमें दो है, ये है रेड हेड टाबो जैस, रेड हेड टाबो जैस, या टाबो जैस, अनुबियस ग्लाबरा है। ओके, तो ये भी जियोफेगस अराउंड अभी 2 inches के। और प्राइजेस जानने के लिए आप इधर आके जरूर विजिट कर सकते हो, तो आपको प्राइजेस सब टैंक्स पे ही लिखे हुए हैं, तो आपको एक अंदाजा आ जाएगा। और फिश स्टॉक अच्छा खासा है। एक टैंक है जिसमें ग्रीन रास्बोराज है, लेमन टेट्रा है, और नियॉन रेमबो फिश है, और हर एक टैंक में कुछ ना कुछ रॉक्स भी है, तो वो मैं आपको एंड सेक्शन में दिखाऊंगा, रॉक्स और ड्रिफ्टवुड्स। ये जो क्रैब्स है, ये कौन से क्रैब्स है ये वाले? ये पर्पल क्रैब है जो राइट साइड में दिखाई दे रहा है। ओके, दिस वन। और ये जो लेफ्ट में है ये है पैंथर क्रैब। ओके, ये पूरा फुली एक्वाटिक क्रैब्स है। ओके, बेसिकली इंडोनेशियन वैरायटी है, सुलावेसी से आते हैं। ओके ओके, बहुत ही ब्यूटीफुल पैटर्न है पूरा बॉडी पे इसके, राइट? तो ये अराउंड रहेंगे 2 inches, 2.5 inches। तो फ्रेंड्स, इस टैंक में ब्लैक गप्पीज है और पिग्मी कॉरिडोरस है, ये देखिए, ये थोड़े स्मॉल साइज के होते हैं, और ऑटो सिंकलर्स भी है, और बहुत से एसेसिन स्नेल्स है आप देख सकते हो यहाँ पे इस टैंक में। तो स्नेल्स का आपको ए टू जेड सब स्टॉक्स मिल जाएगा यहाँ पे, नेराइट स्नेल से लेके रैबिट स्नेल, फगोडा स्नेल, थॉर्न स्नेल्स। तो इस टैंक में गोल्डन एलिगेटर्स है और सियामीज एलिगेटर्स है जो अराउंड 2 inches के रहेंगे,
और अंबर टेट्रा भी है और ड्रिफ्टवुड्स भी है यहाँ पे और कॉन्गो टेट्राज है इस टैंक में जो अराउंड 1.5 इंच तक आप बोल सकते हैं और शॉर्ट बॉडी गोल्डन रैम्स भी है इसमें। तो ये कलर हनी गुरामी है और कुछ चेरी बाग्स भी है इसमें। इस टैंक में येलो श्रिम्स है, ये देखिए ये पूरा टैंक येलो श्रिम्स से भरा पड़ा है और भी श्रिम्स है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स इसमें ड्रीम ब्लू श्रिम्स है ये देखिए और ट्रेडफिन रेम्बोज भी है जो बैक साइड में भी है ये देखिए। तो नियन ब्लू गपीज भी है इसमें। तो ये अराउंड अभी 1 फीट का ऐसा एक टैंक सेटअप है इनका। तो इसमें रॉक्स कौन से रखे हुए? ये लावा रॉक्स है। ओके लावा रॉक्स है और प्लांट्स कुछ है इसमें? प्लांट है। ओके स्टॉकिंग टैंक है ये। तो यहाँ पे भी कुछ लो टेक प्लांट्स रखे हुए है। इसमें रेड गपीज है और डम्बो ईयर्स है। ओके और प्लांट्स भी अवेलेबल है यहाँ पे? हाइग्रोफिला पिनाटिफिडा है। ओके उसमें काफी सारे बूसे कांदरा के क्लम्प्स है। ओके नीचे ये मिनी बॉल पैटर्न्स है। हाँ प्लांट्स का अच्छा खासा कलेक्शन है यहाँ पे। ये फायर रेड श्रिम्स है। ओके फायर रेड श्रिम्स है ये। ये अनुबियस नाना गोल्ड्स है इसमें। हाँ ये बूसे कांदरा के क्लम्प्स है इसमें। या ये अपर साइड में फ्रॉग बीट्स है और कुछ गप्पीज भी है इस टैंक में। फ्रेंड्स यहाँ पे बीटास का भी स्टॉक आता रहता है। तो ये गैलेक्सी हाफ मून है यहाँ पे बीटा और भी बीटास के स्टॉक है यहाँ पे ये देखिए। फ्रेंड्स ये एक टैंक है जिसमें सब स्नेल्स है, रैबिट स्नेल्स है, नेराइट स्नेल्स है और श्रिम्स है कुछ और हिल श्रिम लोचेस है ये देखिए बैक साइड में और कुछ गप्पीज भी है इसमें। ये कलरफुल वीडो का टैंक है यहाँ पे, इसमें सब टाइप के वीडोज है, ग्रीन है, पिंक है, येलो है और पर्पल है और कुछ जेब्रा डेनियल्स भी है इसमें और येलो स्ट्राइप्स वीडोज भी है इसमें ये देखिए, फिर पर्पल स्ट्राइप्स वीडोज भी है और एक ये बाजू का टैंक है जिसमें बड़े साइज के हॉकी स्टिक है, कॉन्गो टेट्राज है 1.5 इंचेस के और मनाको पूरे एंजल्स है जो अराउंड रहेंगे 2 इंचेस के और ब्यूटीफुल स्मॉल साइज के जैक डिम्सी है, इलेक्ट्रिक ब्लू जैक डिम्सी और अपर साइड में मैं आपको एक दिखाता हूँ अल्बाइनो हैकेली है जो अराउंड 2 इंचेस के, ये भी एक अच्छा कलरेशन आता है इनके फिन्स में, अभी भी आप देख सकते हो इनके फिन्स पे। और ये टैंक में पैरट फिशेस है जो अराउंड 2 to 3 इंचेस के। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मार्बल वेजा चिकलेट्स है जो अराउंड 4 इंचेस के। तो फ्रेंड्स कुछ रॉक्स मैं आपको कवर करके दिखाऊंगा। तो पहले यहाँ पे एक ये रॉक है, तो ये सेरियो रॉक्स है ये सर। ओके तो ये भी एक्वास्केपिंग में बहुत यूज होता है और ये केजी पे मिलेगा राइट? करेक्ट। ओके यहाँ पर टार्जन रॉक भी है। ओके या ये टार्जन रॉक है। हाँ या इसका टेक्सचर अलग है। राइट या और इस तरफ पे है कॉर्नर्स रॉक। ओके या तो ये इसके बहुत इंट्रिकेट डेलिकेट पैटर्न्स है। हाँ। बहुत सुंदर दिखते हैं। या और ये लेयर ये है रोजी क्लाउड रॉक। ओके रोजी क्लाउड रॉक्स है और भी पीछे काफी सारा है। इसमें अलग सा पैटर्न है, पूरा लाइंस है। ये है लावा रॉक। ये लावा रॉक है, ब्लैक लावा रॉक राइट? करेक्ट। तो यहाँ पे कुछ रॉक्स है, ये ड्रैगन रॉक्स है राइट? राइट ये ड्रैगन रॉक्स है। ओके ये सारे ड्रैगन रॉक्स है। ये जो है ये है मैपल लीफ रॉक। ओके तो ड्रिफ्टवुड्स का अच्छा खासा स्टॉक है यहाँ पे। तो ये कौन से ड्रिफ्टवुड्स है ये वाले? ये हनीकॉम्ब वुड है। ओके हनीकॉम्ब वुड है जो कुछ दिन पहले आया है। ओके हमेशा अवेलेबल नहीं रहता है ये, थोड़ा कम ही आता है। इसका टेक्सचर एकदम अलग है। इसमें श्रिम्स भी रख सकते, चुप सकते हैं इसमें आप अनुबियस या भूसे फ्लांद्रा जावा फ्लैकोस के लिए भी बहुत बढ़िया है ये। या
राइट ये वाले थोड़े बड़े साइज के रूट वूट है या तो ये सबमर्ज हो जाएंगे क्या इनको ये करना पड़ेगा ये जो बड़े साइज के आते हैं सबमर्ज हो जाएगा एक हफ्ता पर लगता है या वन वीक होने के लिए या स्टोन से बांध के रखना पड़ेगा राइट 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 तो ऐसे बड़े रूट वूड्स भी मिलेगा ये अराउंड अभी 2.5 फीट रहेगा डाइस या ये जो है ये सारे डिटेलिंग वुड है हाँ स्मॉल एक्वास्केप करना है तो इंट्रिकेट डिजाइन्स के लिए थोड़ा डिटेल देने के लिए और स्केप्स में या ये है इसको ड्रैगन वुड भी कहा जाता है या इसको आप वेन वुड भी बोल सकते हैं और भी काफी सारी नाम है तो ये सब बड़े बड़े है 2 फीट 2.5 फीट के है यहाँ पे अवेलेबल है और अलग अलग आते रहते हैं ड्रिफ्टवुड्स और ये जो है यूजुअली रेगुलरली छोटे 2-3 फीट के टैंक्स के लिए ओके रेगुलर ड्रिफ्टवुड्स स्केपिंग के लिए हाँ ऐसे अलग अलग यूनिक शेप्स के भी मिलेंगे आपको जो स्मॉल साइज के आपको चाहिए तो हाँ ये पालूडेरियम ये आपके टेरेरियम्स में आप यूज कर सकते हैं इसको या पालूडेरियम्स के सेटअप्स में अच्छा लगेगा या अराउंड ये अभी बोल सकते हैं 2 फीट के साइज में है ये दोनों वुड्स और एक फॉर्मिकेरी रॉक भी और एक रॉक है ये जो है ये फॉर्मिकेरी लाइक रॉक है ओके इसमें होल्स होते हैं काफी सारे बेसिकली बहुत से वैरायटीज ऑफ रॉक्स मिलेंगे आपको यहाँ पे लावा रॉक से लेके सब ड्रैगन रॉक्स भी पूरा सेक्शन है एक इनका ड्राई का जिसमें फिश मेडिसिन भी है फिश फूड्स है और ये जो है ये ऊपर का सेक्शन एक्वा नेचर के सब प्रोडक्ट्स है यहाँ पे और एपीआई के भी आपको सब मिलेंगे फिल्टर मीडियाज भी है सिरेमिक रिंग से लेके पोरस रॉक्स और हिकारी का आपको ए टू जेड मिलेगा प्रोडक्ट्स जैसे कि डिस्कस के लिए सिक्लेट्स के लिए और एल्गे वेफर्स भी है और ये देखिए गोल्ड फिशेस के लिए भी है यहाँ पे और एक ये फर्स्ट बाइट्स है जो बेबी फिशेस के लिए फ्राइज के लिए तो यहाँ पे इजी लाइफ के भी प्रोडक्ट्स है जो एल्गेस के लिए और बायोलॉजिकल बैलेंस के लिए भी यूज होते हैं तो ये भी इम्पोर्टेड प्रोडक्ट है और बबल्स एंड ट्रबल्स के भी प्रोडक्ट्स है यहाँ पे और वा के भी प्रोडक्ट्स है यहाँ पे तो ये जो बबल्स एंड ट्रबल्स के प्रोडक्ट्स है तो इसमें कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में आप बता सकते हो हॉबिस्ट को आपको मे बी मैं ये बैक्टोस प्लास्ट के बारे में बताता हूँ ओके तो ये बेनिफिशियल बैक्टीरिया है लिक्विड फॉर्म में ओके यूजुअली जब नया टैंक होता है तो टैंक साइक्लिंग के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये अच्छा तो ये प्रोडक्ट यूज करने के बाद आप इमिजिएटली फिश इंट्रोड्यूस कर सकते हो टैंक में ओके हर वाटर चेंज के बाद भी अगर आप ये यूज करते हैं तो इसमें बेनिफिशियल बैक्टीरिया रिप्लेनिश होते जाएगा टैंक में ओके तो इसमें पीछे मेंशन किया होगा कितना यूज करना है उसमें सारे इंस्ट्रक्शंस है या तो ये एक्रेलिक टूल होल्डर है सारे टूल्स इसमें एक ही जगह पर ऑर्गेनाइज हो जाते हैं अच्छे से या तो ये टैंक में एक लगा के एक कॉर्नर पे वो रख सकते हैं राइट तो ये विटामिन्स डिस्कस और अरवाना के लिए क्या है जी तो एक्वा नेचर ने ये इनका विटामिन का लाइन काफी अच्छा लॉन्च किया है ओके. ये जो विटामिन सप्लीमेंट है ये स्पेसिफिक ये सारे फिशेस के लिए अच्छा ये स्पेसिफिकली डिस्कस के लिए फॉर्मुलेट किया गया ये वाला जो है ओके और ये वाला अरवानास के लिए ओके तो अगर पानी में कई बार ऐसा होता है कि विटामिन की कमी हो जाती है फिश को डेफिशिएंसीज हो जाती है कोई विटामिन की ये डाल के आप पूरा रिप्लेनिश कर सकते हो विटामिन वापस ओके तो ये अच्छा इनिशिएटिव है एक्वा नेचर का राइट इसमें इनका एल्गे आउट भी है ओके जो एल्गे रिमूवल के काम आता है अच्छा तो ऑस्ट्रेलियन ब्लैक वर्म्स भी अवेलेबल है यहाँ पे तो फ्रेंड्स ये CO2 डिफ्यूजर है और CO2 ग्लास मॉनिटर भी है यहाँ पे और फिल्टर्स भी मिलेंगे यहाँ पे सनसन के वेव मेकर्स और सरफेस स्कीमर्स भी है यहाँ पे सबमर्जिबल पंप्स भी है यहाँ पे सनसन के और यहाँ पे सब सनसन के सोपो के और रीसन के हैंग ऑन फिल्टर्स है तो ऐसे बॉन्साई वुड्स भी मिलेंगे आपको तो ये अराउंड 6-8 inches है हाइट में तो ये सारे ट्वीजर्स है ओके सीजर्स है सैंड फ्लैटनर है ये कर्व ट्वीजर थोड़ा सा बड़ा वाला है लंबे टैंक्स के लिए ओके ये सारे टूल्स और एक्सेसरीज ऑलवेज स्टॉक में रहता है यहाँ पर ओके ये सब मिल जाएंगे आपके यहाँ पे जी ओके
ये सॉइल 1 kg के राइट हाँ ये सॉइल में भी काफी वेरिएंस है okay. इसमें हॉबीज फ्रेंडली साइजेस भी है जैसे ये जो है छोटा पैक दिस इज 1 लीटर ये 2 लीटर का है हाँ. इसमें ट्रॉपिका में भी काफी टाइप्स है जैसे ये एक्वेरियम सॉइल पाउडर है 3 लीटर का 9 लीटर का इसमें ये बड़ा पैक है या. इसी में छोटा साइज है 3 लीटर में ओके सॉइल में ओके ये भी शिजुका अकाडामा सॉइल है ओके और ये बड़ा वाला पैकेट कितने 5 लीटर का ये 5 लीटर का ओके तो ऐसे बहुत से वैरायटीज ऑफ आपको साइजेस मिल जाएंगे ट्रॉपिका से लेके शिजुका के सॉइल्स में ये GW यानी ग्रीन वाटर एक्वास्केप्स के TC टिश्यू कल्चर पॉट्स है ओके इसका भी पूरा स्टॉक अवेलेबल रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम या काफी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे इसमें भी ओके फॉर फर्दर डिटेल्स आप व्हाट्सएप पे एक मैसेज कर सकते हैं या तो कॉल कर सकते हैं ओके फ्रेंड्स यहाँ पे ऐसे मोल्डेड टैंक्स भी मिलेंगे आपको सब साइजेस के और ये सिलेंड्रिकल टैंक्स भी है और ये क्या चीज़ है ये बेसिकली एग ट्रेज है ओके इसके मल्टीपल यूजेस होते हैं ओके इसको आप ये इंटरलॉकिंग होता है बेसिकली ये इंटरलॉक करके हाँ आप टैंक के ऊपर एक कैनोपी एक कवर जैसा बना सकते हैं जहाँ से फिश यू नो जंप नहीं कर पाएगा अच्छा अच्छा ये एज अ बॉटम लेयर अगर आपका एक सिक्लिड टैंक है उसमें बहुत सारे स्टोन्स डलने वाले हैं हाँ. उसके नीचे आप ये इसका ट्रे का एक लेयर बिछा के इसके ऊपर थोड़ा सैंड डाल के रॉक्स लगा सकते हैं या. ताकि स्टोन अगर भूल से ग्लास पर गिरता है नीचे हाँ. ग्लास क्रैक नहीं होगा सारा हाँ. वेट इस पे चला जाएगा, इस पे जाएगा वो. ये टैंक पार्टीशन के भी काम आ सकता है 2 फिश को अगर पार्टीशन में रखना है या. तो इसका आप पार्टीशन के तौर पर भी यूज कर सकते हैं बहुत अच्छा यूजफुल चीज है एकदम ये फाइबर है प्लास्टिक क्या है ये प्लास्टिक आता है ओके ओके तो लाइट्स के भी काफी सारे ऑप्शंस होते हैं ओके यहाँ पर अवेलेबल अभी जो फिलहाल है वो मैं आपको बताता हूँ ये न्यू हीलियोस का है ओके XP450 एक 1.5 फीट के टैंक के लिए अच्छा WRGB अल्ट्रा स्लिम लाइट है ओके ये सारे सनसन के LED सीरीज है ये ओके ये सनसन का ADS सीरीज का लाइट है ओके और ये जो है सनसन का ADP सीरीज है थोड़ा सा इकोनॉमिकल बजट फ्रेंडली लाइट है ये 2 फीट करेगा राइट करेक्ट ओके ये स्टार्टिंग रेंज ऐसा एक स्मॉल साइज लगभग 1100 से शुरू हो जाते हैं ये सारे जो फिक्चर्स हैं ओके ओके 1000 से स्टार्ट होते हैं 1000 या 1100 हाँ एज पर साइज एंड ओके लाइट्स का भी अच्छा खासा स्टॉक है यहाँ पे तो ये देखिए ब्यूटीफुल रैबिट स्नेल ये पोसो ऑरेंज रैबिट है ओके ऑरेंज राइट ये है वाइट हर्क्यूलिन ग्रोटिया स्नेल ओके बहुत सुंदर दिखते हैं ये वाला है पगोड़ा स्नेल ओके तो फ्रेंड्स ये था फिनस्प्लैश एक्वेरियम फ्रॉम पुणे आपको ये आज का वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट करके बताइए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और भी न्यू वीडियोस देखने के लिए